आज की वो ये है कि आईपीएल में दो टीम आ रही हैं, हाँ जी, एक 7,000 करोड़ की गई है, हाँ एक जी, 6,500 करोड़ की गई है। आपको बताया था कि आपकी 9 हो क्रिकेट जाएगी। बिल्कुल, तो उनका टूर्नामेंट तो हो जाएगा साढ़े मतलब तीन महीने। एग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके से, यू नो, स्ट्राइक रोटेशन थी जिस तरीके पे उनके उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। अब और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ये एंड में आप फ्रेंचाइजीज ले जाएंगे, ये रह जाएंगे, इंडिया रह जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। सर, बाकी तो बिगेस्ट न्यूज़ जो थी आज की वो ये है कि आईपीएल में दो टीम्स आ रही हैं, हाँ जी, एक 7,000 करोड़ की गई है, एक 6,500 करोड़ की गई। आपको बताया था कि बिल्कुल, तो उनका टूर्नामेंट तो हो जाएगा साढ़े मतलब तीन महीने का। इसका मतलब 74 से 90 मैच हो गए ना। 10 साल का लगा लें, 700 करोड़ पर ईयर, पर मंथ, पर मंथ, पर ईयर हो गया, पर मंथ, पर पर ईयर हो गया, पर ईयर, पर ईयर। अब वो जो बात कर रहे हैं कि मैचेस ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी विंडो बड़ी हो जाएगी, तो आईसीसी को कंपनसेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, क्योंकि वो उनका आईपीएल चलेगा। सर, तो फिर बात सुने, अगर आपके राइट्स 2.2 या 2.6 बिलियन के जाते हैं और उनके 6 बिलियन डॉलर के जाने हैं तो मैं किस तरफ जाऊँगा? उधर ही जाएंगे। हाँ, तो उधर ही जाऊँगा ना। तो इसका मतलब है यू आर राइट कि क्रिकेट एक्चुअली अभी तो ये कमर्शियली ब्लाइंड हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 साल के बाद इनको लग पता नहीं। क्रिकेट अच्छी करनी है तो ये जो कंट्री की टीम है ना, ये भी फ्रेंचाइज बेस पे कर दें, बहुत पैसा होगा। नहीं, फिर क्रिकेट नहीं होगी, फिर फुटबॉल होगा या WWE, फिर हम कहेंगे वर्ल्ड क्रिकेट एंटरटेनमेंट, WCE। नहीं नहीं, डॉग इसमें क्या है कि पैसा इतना हो जाएगा ना कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिक्सिंग की। अच्छा, यस, बहुत पैसा होगा। नहीं, लेकिन वो रेसलिंग में नहीं है उतना ही पैसा, तो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट होगा। मार्केट कितनी बड़ी है वो? हाँ, वो मार्केट छोटी है ना। हाँ। ये तो पूरी फुटबॉल के बाद सबसे बड़ी बड़ी मार्केट जो क्रिकेट है स्पोर्ट्स में, वो क्रिकेट है। अगर आप देखो तो जो वर्ल्ड की लेवल पे जो नेशनल टीम्स हैं, कितने टूर्नामेंट है उनके? एक फुटबॉल का कब होता है वर्ल्ड कप? हाँ, एक वर्ल्ड कप होता है, एक यूरो होता है, एक वो अमेरिकन होता है, हर एक अपने कोपा अमेरिका। और कौन है जो नेशनल कंपटीशंस? नहीं, वो तो इसका बेसबॉल भी नहीं है, इसका तो बास्केटबॉल भी नहीं है। तो ये उसी टीम, ये भाईजान, ये जो आईपीएल का पौधा लगाया है ना, ये उसी तरफ आपको ले जा रहा है। ठीक, कि अमेरिकन गेम्स, अपनी गेम्स, इंडिया एक टाइम आएगा इन्होंने कोई ओवरसीज प्लेयर्स भी नहीं लेना, क्योंकि वो खिला 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 उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज उस चीजों को इतना बड़ा कर लेंगे। हो सकता है जिस किसको, हमें तो उन्होंने अलाउ करना नहीं है, हम तो गए, बाकी उनकी मर्जी है, किसी से लड़ाई उसका नहीं, तुम बंद, तुम नहीं आ सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता इतना वो कंट्रोल कर गए हैं और मज़ीद कर करेंगे कि ये क्रिकेट नहीं बच सकती, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। यस, क्रिकेट तो बचेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट, अब मुझे तो ये लगता है कि सारा जो है ना साल आप क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरह जैसे फुटबॉल खेलते हैं और उसके बाद आप वर्ल्ड कप में ही आप टीमें इकट्ठी होंगी, जैसे जो वेस्ट इंडीज का है कि सारा साल बाहर खेले और वर्ल्ड कप में इकट्ठे हो जाए, फिर लगता है सारी टीमें यही काम करना शुरू कर दें। यार, आपको आज ऑन एयर एक चीज बताता हूँ कि विजनरी लोग पाकिस्तान के पास बहुत थे। एक अब्दुल हफीज कारदार साहब से, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने राइट ऑफ वीटो खत्म करवाया था इनका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जब कैरी पैकर आया था ना तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था दिस इज द डिमाइस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड इट्स फिलोसफी, 1977 में कहा। Over to the... नहीं तो आप अपनी लेंथ ट्रैक कर लो, आप जस्ट इसको रिमाइंडर देते हो, बाकी जो है एंड ऑफ द डे उसका प्लान जो है ना उसने जाके एग्जीक्यूट करना है। जो आपकी बात है वो 110% मैं एग्री करता हूँ कि बाद में इधर से फीड मिली, इधर से फीड मिली, देखो ना, एक तो जो नेचुरल वो निकल जाता है। मैं कुछ क्रिकेट खेला था, मुझे तो खान साहब ने अंडर 19 में देखा और ऐसे पकड़ के ना ढूंढ के इंडिया ले गए, और एक लफ्ज से ना मेरे पे ईमान ले आए थे। वो क्या था, उन्होंने सुनील गवास्कर जो बैटिंग कर रहे हैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कहते हो नया बॉल करते हो, मैं जी करता हूँ कि ये मैंने पकड़ा, उन्होंने मेरी फील्ड सेट कर दी, स्लिप गली स्क्वायर ले फाइन ले गए, तो मुझे कहती हैं कि फील्ड ठीक है, तो मैंने कहा जी नहीं। उसने ऐसे करके देखा है, ये पागल है,
क्या खराबी है? मैं कहा जो मेरा आउटस्विंग होता है, मेरा बॉल इधर नहीं जाता टांग पे, दो स्लिप ले ले और उसको थोड़ा बाहर कर, और पहले ओवर में स्लिप में आउट, तीसरे ओवर में दिंग सारकर, पांच चौथे ओवर में महेंद्र अमरनाथ, मैं बॉलर बनेंगे समझ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ को ढूंढा मैंने ना, हमने ढूंढा, उसको लाए, उसके अंदर देखा कि इस इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है। आपने उस इंसान की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है उससे उसकी पहचान करा दी, ठीक, इतनी करानी कि उसके ऊपर वो ईमान ले आए और उसको वो रोल दे, स्टार्टिंग दे जहां वो बेस्ट है, फिर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगा, बाकी चीजें वो विद द टाइम वो खुद ही सीखता जाएगा। अब उसका डेढ़ साल जो बर्बाद किया है, उसका कॉन्फिडेंस इधर था, हमारे पास आया, हमने कहा कि यार देख बेटा यहाँ तू कंफर्टेबल है, वहां गया बिग बैश में, मैक्सी ने उसको बोला क्योंकि टेल मी वेयर यू वांट टू बॉल, ही सेड आफ्टर 10, गुड गो। यहां क्या है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ठीक, अग्री। हम एक बच्चा है उसके अंदर, हमने हमें उसमें वसीम अकरम भी चाहिए, उसमें हमें शोएब भी चाहिए, उसमें हमें बकार भी चाहिए, नो ठीक हो गया। कैप्टन का स्ट्रॉन्ग होना फिर बहुत जरूरी है। आपके पास इमरान भाई थे ना, हमारे मैं राशिद थे, उम्र चले जाएगी ब्रेक थे, नहीं ये एक डिस्कशन हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डॉक। okay, okay. ये सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमारी जो क्रिकेट रिलाई करती है, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए कि आपके कप्तान को जिस वक्त बैकिंग नहीं है कि उस वो पीछे से आपको डिक्टेट कर रहा है या आपको जहाँ से भी डिक्टेट कर रहा है, तुम ये करो तुम वो करो, एक बाउंड्री लग जाए तो सबके सर यूँ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस गेम में बाउंड्रीज नहीं लगेंगी तो किस में लगेंगी? तो ये थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आईपीएल में दो नई टीम आई है, आपको पता है उन टीमों की कीमत क्या है और इससे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से आईसीसी से बहुत बड़ा, मतलब आईसीसी के इवेंट से बहुत बड़ा वैल्यूबल एक इवेंट बन चुका है और एक ये रियलिटी है और संसार में परिवर्तन नियम है संसार का, तो ये होगा। आगे क्रिकेट कैसी होगी इससे कोई लेना देना नहीं, ये फ्यूचर है। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि अब पाकिस्तान का इस तरीके का रिएक्शन आना ही था। पाकिस्तानी प्लेयर पहला आईपीएल सीज़न खेले थे, उसके बाद हुआ क्या मुंबई अटैक, जिसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर बैन है आईपीएल में। लेकिन इस पैनल में एक बंदा बैठा हुआ है अजहर महमूद, जो कि उसके बाद भी आईपीएल खेला, लेकिन इसके पास क्या था कि इसके पास था इंग्लैंड का पासपोर्ट और ये इंग्लैंड से भी खेल सकता था क्रिकेट अगर चाहता तो। इसके पास उस पासपोर्ट बेस्ड पर, ये इंग्लैंड के पासपोर्ट के बेस पर पंजाब से एक दो सीज़न खेला है, अगर आपको याद होगा, अजहर महमूद की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है अब ये बोल रहे हैं इससे क्या फ्यूचर क्रिकेट तबाह हो जाएगी, फुटबॉल की तरह केवल वर्ल्ड कप होगा, ये वो। अरे तो भाई हमको क्या करना, हमारा आईपीएल बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही बढ़े, इससे हमारी इकनॉमी को फ़ायदा है, हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर को फ़ायदा है। तो भाई तुम भी अपना पीएसएल बढ़ा लो अगर तुम्हारी हिम्मत है तो, कर लो तुम भी ऐसा कुछ। अब कुछ लोग आईपीएल में इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया में रहने वाले लोग भी बोलेंगे यार आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट ख़राब हो रही। देखो भाई, भारत की आज के समय में अगर श्रीलंका से सीरीज होगी, भारत की फुल टीम होगी, तो आपको भी पता है कि रन किसके बनने हैं। रोहित शर्मा के 3-4 दौरे शतक और बन जाएंगे तो श्रीलंका टीम में वो दम ही नहीं रह गया। इसके जिम्मेदार हम नहीं, इसका जिम्मेदार श्रीलंका खुद है। वहाँ पे वो रिप्लेसमेंट ही नहीं मिले उन लेजेंड की। बांग्लादेश टीम मीरपुर बस में खिलवा लो तो इनसे कोई नहीं जीतेगा, बाहर जाओ तो इनका हाल आपने देखा अभी क्या हुआ वर्ल्ड कप में, स्कॉटलैंड से ये हार गए और श्रीलंका ने कितना गंदा हराया अभी इनको। तो बांग्लादेश के साथ भी वो हाल है, बांग्लादेश भी क्रिकेट मतलब कब से देख रहा है कि वो बस ग्रो कर रहा है बस बांग्लादेश में बहुत अच्छा खेलता है लेकिन बाहर इनकी भी हवा निकल जाती है। ऐसा हुआ है, उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस तरह से श्रीलंका, आपको पता होगा 96 में इतना जल्दी वर्ल्ड कप जीता था, एकदम से अच्छा क्रिकेट खेले थे श्रीलंकन, लेकिन अब उनकी क्रिकेट भी नीचे गई है। साउथ अफ्रीकन आज क्विंटन डी कॉक ने फैसला लिया है कि वो जो ब्लैक लाइफ मैटर की में उसको ज़बरदस्ती उसको झुकना पड़ रहा है, भाई उसका मन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिकेट में घुसेड़ हो गया, आप किसी की इच्छा नहीं है। तो वो आज उसने लगता है साउथ अफ्रीका में, अब क्विंटन डी कॉक भी उसका करियर खत्म, वो भी अब आईपीएल वगैरह खेलेगा, उसका फ्यूचर यही है या तो फिर किसी दूसरी टीम से जाकर खेलने लगेगा अगर एलिजिबल होता है तो, जैसे फैब डी प्लेसिस, एबी डिविलियर्स और बहुत सारे डेविड वीजे, और नाम खत्म हो जाएंगे, मतलब लिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन आप मतलब देख नहीं सकते कितने सारे, काइल एबर्ट और मुझे तो कई के नाम भी भूल गया हूँ मैं।
और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट भी वो ब्लैक और वाइट कोटा सिस्टम की वजह से नीचे चली गई है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट, आपको भी पता है पाकिस्तान में कोई भी टीम क्रिकेट खेलना नहीं चाह रही है, आती भी है तो वो बी सीट डी टीम खेलती है, लेकिन पाकिस्तान की एक चीज़ है वहाँ पर अच्छे क्रिकेटर आ रहे हैं कंटिन्यूसली। पाकिस्तान का PSL है जो वहाँ पर होता है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक ठाक है, मतलब अगर टॉप फोर में नहीं तो फाइव में तो पाकिस्तान को मैं काउंट करूँगा। और टॉप फोर टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये टॉप फोर टीम है जो कि ऑल फॉर्मेट में आपको वैसा ही परफॉर्मेंस देगी। ऐसा नहीं कि T20 बस के हैं हम, या तो फिर टेस्ट बस के हैं, या तो ODI के हैं। तो ये टीम कभी भी किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकती है, चार, जिसमें इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड को अभी हाल ही में तो नहीं हराया लेकिन कुछ साल पहले हराया था, आपको याद होगा MS धोनी की कैप्टनशिप में, तो टेस्ट सीरीज जीती हुई है, ODI भी जीते हुए हैं, और T20 तो शायद हम न्यूजीलैंड में भी 5-0 से जीत कर आए हैं शायद, अगर मुझे मैं करेक्ट हूँ तो आप समझ सकते हो। बाकी देशों की क्रिकेट बहुत नीचे गई है। आप पाकिस्तान अगर एक T20 मैच जीत कर भारत के खिलाफ ये कह सकता है कि भाई हम तुम्हारे IPL से बेहतर हैं इसलिए हम तुमसे 10 विकेट से जीते, तो भाई फिर ठीक है भाई, तुम इसी गलतफहमी में जिंदा रहो, अगर तुम हमसे बेहतर हो तो एक टेस्ट में तुम इसी गलतफहमी में जीते रहो, तुम हमसे बेहतर हो। तो आपको भी पता है कि ये होता है क्रिकेट में, होता है भाई, कोई भी टीम कभी भी किसी को हरा सकती है। 2005 में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने हराया था, उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया जिसको मतलब हराना दुनिया की सारी टीम मिलकर नहीं हरा पाई थी, उसको बांग्लादेश ने हराया था, एक मैच इंग्लैंड में हुआ था शायद, अगर आप स्कोर कार्ड देखना चाहते हो देख सकते हो। तो इनका ये फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, आप इनकी बातों में आकर इनका ही पक्ष ना लेने लगना कि IPL की वजह से दुनिया की क्रिकेट तबाह हो रही है। भाई भारत का मैच तो होंगे सभी से, पाकिस्तान आप अपना अरेंज कर लो अगर आपके पास विंडो है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड अगर आपसे खेलना चाह रहे हैं, आपके आपके खेलने से दूसरे क्रिकेट बोर्ड को कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ अरेंज ऑल मैचेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हो दोस्तों। और रही बात एसोसिएट नेशन और IPL से, अगर एसोसिएट नेशन को कोई फ़ायदा होता है वहाँ से अगर बंदे लाकर IPL में उनको ट्रेनिंग सेशन या टीम में शामिल करते हैं, तो ये कुछ ऐसे रूल लाएँ जिससे दुनिया की क्रिकेट को कुछ फ़ायदा हो, मेरे हिसाब से ऐसा मैं सोचता हूँ। आपको क्या कमेंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।